यात्रा उदार चला रहे पूरा जैना मोड़, पूरा बैरमो, पूरा झारखंड के अमरगढ़ से झारखंडी जोहार जोहार। बैरमो अब बदलाव मांगा है, बैरमो अब बदलाव मांगता है। बैरमो में जिनको भी प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है, जिनको बैरमो ने चुना है, उन्होंने बैरमो को बेहतर नहीं बनाया है। झारखंड बनने के 25 साल बाद, 24 साल बाद बैरमो का यह चुनाव, पूरे झारखंड का यह चुनाव एक यात्रा के तौर पे हम लोग लेते हैं। मेरा परिचय है, मेरा नाम तीर्थनाथ आकाश है, तुपकाडी का बेटा हूँ, बैरमो का बेटा हूँ। मेरे नसों में दामोदर का पानी बहता है और हमको दामोदर ने सींचा है। हम 12 साल पहले रांची चले गए थे पढ़ने के लिए, वो इसलिए क्योंकि बैरमो में पढ़ने की सुविधा नहीं थी। बैरमो में एक बेहतर महाविद्यालय नहीं था, बैरमो में बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा नहीं थी। मेरे बाबूजी, मेरे पिताजी, मेरी माँ इतनी सक्षम थी कि उन्होंने मुझे बाहर भेजा पढ़ने के लिए। लेकिन आज भी बैरमो में सैकड़ों ऐसे युवा अपना सपना तोड़ देते हैं क्योंकि उनको पढ़ने के लिए बेहतर महाविद्यालय नहीं मिलता है। हम किसी की शिकायत करने आज नहीं आए हैं आपके बीच, मेरा किसी से कोई गुरेज नहीं है। ना पूर्व में जो विधायक रहे हैं, जो वर्तमान में जो विधायक हैं, या जो और जो लोग आए हैं, यह चुनाव नहीं, यह यात्रा है। यात्रा बैरमो के परिवर्तन का, यात्रा उदाल चला रहे बैरमो के लोगों के बच्चों के हाथ में कलम देने का, बैरमो को पढ़ाने का, धूल खा रही बैरमो को स्वच्छ बनाने का। आप फुसरों से जैनामोड़ देख लीजिए, जाइएगा तब सड़क पर धूल बहता है, आपको धूल खाना पड़ता है। क्या जनप्रतिनिधि को इस दिन के लिए चुना गया था? हम फिर से कहेंगे कि किन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, हम उसकी शिकायत करने नहीं आए हैं। इस चुनाव में हम बैरमो की जनता से, बैरमो के लोगों से और बैरमो से वादा करने आए हैं। 3 साल हम मांगते हैं बैरमो की जनता से। बाकी तमाम लोग जो लोग चुनाव में आ रहे हैं, जो आएंगे, वो आपसे 5 साल का समय मांगेंगे, क्या समय मांगते हैं। अगर बैरमो मुझे, बैरमो अगर मुझे चुनती है, आपका प्यार मुझे मिलता है, तो 3 साल के अंदर बैरमो को पूरे झारखंड का सबसे नंबर वन विधानसभा नहीं बनाए तो हम आपके बीच दोबारा नहीं आएंगे। आकाश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बैरमो का एक भी बच्चा 3 साल के बाद अगर मुझे मौका मिला प्रतिनिधित्व करने का, विधानसभा में आप लोगों ने भेजा, तो बैरमो का एक भी बच्चा, चाहे वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई पढ़े, चाहे वो बीटेक करे, चाहे वो मेडिकल की पढ़ाई पढ़े, उसको पढ़ने के लिए दूसरा जिला या दूसरा राज्य नहीं जाना पड़ेगा, उसको पढ़ने के लिए परिवार नहीं त्यागना पड़ेगा। ये हम वादा करते हैं। अगर बैरमो ने मौका दिया तो इलाज के अभाव में, बेहतर इलाज के अभाव में बैरमो का एक भी व्यक्ति मरेगा नहीं, ये हम वादा करते हैं। एक ट्रेन चलता है LFP एक्सप्रेस, उसमें सिर्फ मरीज ढोए जाते हैं। बैरमो बोकारो क्षेत्र से सिर्फ उसमें मरीज ढोए जाते हैं।